अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राणा और डमी म्यूजियम से आए एक अफगानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ते माशाल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह पुदर करते हो। नहीं आज इधर बनता है, आज तुसी मैंने एग्री किया, मेनू मजा आया। नहीं मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं, बैजा ना ये मलिक अलिजाबेथ का कोई पार्टी वार्टी था। क्यों, तैयारी तो थोड़ी रॉयल हुई। माशाल्लाह क्या कहने। मैं एक इफ्तिताह से आया हूं, इनॉग्रल सेरेमनी से आया हूं। एक खलाई शटल का इफ्तिताह थी। शुरू कीजिए। हमारे पहले चैलेंजर इस वक्त जूम पे हैं और स्पेन से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मैम उमर हबीब, फ्रॉम पाकिस्तान इस्लामाबाद से ताल्लुक है और स्पेन बार्सिलोना में रहती है मेरी। बार्सिलोना में आप क्या पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं? जी मैम मैं बिजनेस कर रहा हूँ। पूरे बार्सिलोना को हमारा सलाम कहिएगा। हाँ जी, बल्कि मैड्रिड को भी कहिएगा, पूरे स्पेन को कहिएगा, और हमारे दोस्त खास तौर पे जो हमारे रिसर्चर साहब अहमद कमाल वहाँ पे बार्सिलोना में मौजूद हैं, वो एक तरह से हमारे सफ़ीर हैं, वो खबरहार के और कसौटी के सफ़ीर हैं वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? नो सर। ताल्लुक यूरोप से? जी सर। यूरोप से तो गोया ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से? नो सर। मेनलैंड हमने पूछा नहीं। बर्तानिया से? बर्तानिया से भी है। बर्तानिया से भी है। तो बिलवास्ता कोई ताल्लुक होगा, इनडायरेक्ट सा ताल्लुक होगा, ऐसी बात है? जी जी बिल्कुल। चले, जाए पैदाइश उनकी बर्तानिया नहीं होगा, ये हम अखज कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। जी सर। ईयर ऑफ डेथ, वो जो पीरियड। जी जी, अब पीरियड की तरफ आए, इंतकाल को 100 साल से ज्यादा, इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। अच्छा, 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। दूसरा ताल्लुक जोड़े जी, दूसरा ताल्लुक किस मुल्क से? दूसरा ताल्लुक भी किसी यूरोपीय मुल्क से है? यस सर। तो इन्होंने क्या कहा, सेंट्रल यूरोप से नहीं? नहीं है। तो क्या दूसरा ताल्लुक वेस्टर्न यूरोप से है, यानी फ्रांस से है? नो सर। सदरन यूरोप से है? यस सर। सदरन यूरोप, ही इज सिटिंग इन स्पेन, तो अपेरेंटली तो स्पेन बर्तानिया, या फिर इटली बर्तानिया, या फिर ग्रीस बर्तानिया, व्हाट कम्स टू योर माइंड? स्पेन से ही प्रॉबेबली होगा। जो दूसरा ताल्लुक स्पेन से है भैया? नो सर। ओके, इटली से है? यस सर। Any Italian that comes to your mind who went to England and did some? कोई fashion icon, कोई खिलाड़ी? आप इल्म फजल के हवाले से जाएं, science, technology, inventions. Yes. ताल्लुक इल्म फजल से है भैया? नहीं सर। तो फिर ये Marconi? Marconi can be. And he worked in England. ये बताइए कि अपना वजह शोहरत science और technology? रेडियो वेव्स से मुतल्लिक कोई चीज है? यस सर। सबसे पहले ट्रांस अटलांटिक रेडियो मैसेज इन्होंने भेजा था? यस सर। देयर यू गो। तो फिर किसी अच्छे से इटालियन एक्टर का नाम ले दे। अच्छा, पूरा नाम आता है? एंटोनियो मार्कोनी क्या? नो, बड़ा अजीबोगरीब नाम है, इसके लिए मुझे असिमिलेट करना पड़ेगा अपने थॉट्स को। गुलेल्मियो जिवानी मारिया मार्कनी, ये इसका नाम। भैजन आपने मार्कनी पूछा? यस सर। अरे थैंक यू वेरी मच उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर बेसिकली मैं भी टेलीकॉम का ही मैं स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ। मैंने आपको बिजनेस का इसलिए कहा था कि कहीं आप डायरेक्ट फिर पहुंच न जाए टेलीकॉम। नहीं आपने बताया नहीं, लेकिन देख लीजिए अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करता है। सर मार्कनी के बारे में कुछ? मार्कनी एक बहुत बड़ा आदमी था, इसमें कोई शक नहीं। उसने जो काम किया, अनफॉर्चुनेटली वो क्रेडिट थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। ये काम निकोला टेस्ला का था, टेस्ला ने वो काम इससे बहुत पहले कर दिया था, उसको टेस्टिफाई किया था रशियंस ने। वाह। के मार्कनी बहुत फेमस जरूर हो गया है, लेकिन इसने कोई नई बात नहीं की, ये सारी बातें पहले टेस्ला कर चुका है। टेस्ला बेचारा चूंकि था पेंडा,
ये इटालियन था, समझदार था, फिर इंग्लैंड में इसकी ग्रूमिंग इतनी ज्यादा हुई, इसने बहुत सारा काम इंग्लैंड में किया था, कंपनी ही इंग्लैंड की जी, जिसकी वजह से इसने फटाफट पेटेंट करवाया, पेटेंट ऑफिस में इसके दोस्त थे, वो सर्बिया से उठा था और एक शरीफ सा मासूम सा गांव का रहने वाला देहाती, और उसने स्टार्ट में ये कह दिया कि खैर है अगर मार्कनी को मेरी इस इन्वेंशन का फायदा हो रहा, क्योंकि ये खुद बड़ा इंटेलिजेंट है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है, दूसरे को हम असर को एक तरह से चैलेंजर को अप्रिशिएट करना जी। लेकिन उसने साथ ये कहा कि बहुत अच्छा आदमी, इसे काम करने दो, गो के इसने मेरे 17-18 पेटेंट्स काबू किए हुए हैं। तो ही केप्ट मम, ही सेड नो प्रॉब्लम। देन होते ना सिलानी बंदे, ही हैड अ लार्ज हार्ट, वेरी लार्ज हार्ट, वो उस हवाले से कि एक बड़ा नोन आदमी इस हवाले से कि वो एक बड़ा फयाज आदमी था, लेकिन जब उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया ना जी, मार्कनी ने, मार्कनी ने जी, कहां से कहा, ओ उसके अंदर इटालियन खून भी था, एक्सपेंशन का, रोमन्स का, माफिया का, माफियोसो का, उसने जब एक्सपेंड किया देन ही वेंट टू द कोर्ट, इसने फिर चैलेंज कर दिया, अदालत ने बड़ा फुसफुसा सा इसके मार्कनी के फेवर में कर दिया, लेकिन आई थिंक ही डाइड इन 1943 टेस्ला, और इसके मरने के कुछ देर बाद इसके हक में फैसला आ गया, टेस्ला के हक में, क्योंकि मार्कनी हैड डाइड इन 37 मरा था, लेकिन बाकमाल थे, दोनों बाकमाल थे। आप मार्कनी से ये क्रेडिट नहीं ले सकते कि ट्रांस अटलांटिक जो काम उसने किया, टेलीग्राफ, यस, वो बहरहाल तारीख था। सो अब अपने नेक्स्ट पेटर्न्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान यूनस। तो फरहान, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। ये मेरी वाइफ है, मेरी मिसेस सैरिश, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, सो एसेंशियली फॉर हर एंड आल्सो फॉर ओपन माइक कैफे। एंड यू बोथ आर फ्रॉम कराची, नॉट लाहौर, राइट? वेल, आई एम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन सैरिश इज फ्रॉम कराची, यस। सो वेलकम यू टू द कैफे एंड कसौटी। स्टार्ट, जी फरहान साहब, शख्सियत मर्द? नो। जिंदा? यस। एशियाई? नो। अमेरिकन? ताल्लुक अमेरिका से? यस। एक खातून जो अमेरिकन है, और वजह शोहरत सियासत और हुकूमत कह सकते हैं, बट नॉट वजह शोहरत। वजह शोहरत इल्म व फजल है? नो। क्या वजह भी? वजह शोहरत इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स है। इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स है, जर्नलिस्ट प्रॉबेबली। इल्म फजल से पूछा है, नहीं है तो जाहिर है कोई बहुत क्रिएटिव जर्नलिज्म, वो जो ऐसा काम को किया हो, कोई किताब जो जर्नलिज्म के हवाले से मशहूर हो, कोई बहुत बड़ी स्टोरी अनअर्थ की हो, तो वो लगती नहीं है। दूसरी वजह शोहरत तलाश करें भैया, एक तो पॉलिटिक्स तो होगी ना, सियासत कन्फर्म्ड है, कुछ सिविल राइट्स, हाँ कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा बहुत बड़ी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। क्यों जी, कोई सिविल राइट्स एक्टिविस्ट? नहीं, नो। ओ, शोबिज से कोई ताल्लुक हो? शोबिज से ताल्लुक है कोई? नो, नॉट रियली एनी ताल्लुक विद शोबिज। वजह शोहरत शोबिज नहीं है? नो। फरहान, तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया जी। एक खातून जो अमरीकी है और सियासत से ताल्लुक भी है, वो किसी बहुत बड़े इदारे की कोई रेक्टर, कोई वाइस चांसलर, कोई नोबेल लॉरिएट, एनीथिंग, पॉलिटिक्स में कोई काम, कोई इस वक्त पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं या रिटायर्ड हैं? इस वक्त सियासत में एक्टिव हैं जी? और इज शी अ रिटायर्ड पॉलिटिशियन? आई वुड से रिटायर्ड। रिटायर्ड, अब पुरानी खवातीन में से मैडलिन एल्ब्राइट? मैडलिन एल्ब्राइट इज अ वेरी बिग नेम, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। शी आल्सो हेडेड अ थिंक टैंक। थिंक टैंक तो होते हैं इनके, ब्रुकिंग्स के वो प्रेसिडेंट थी, और उनके वालिद जो थे वो कश्मीर इशू पे भी उनका बड़ा काम था। जी जी जी, जी। और इनके बारे में जो सबसे मशहूर चीज है, वो नवाज शरीफ जिन दिनों क्राइसिस में थे, तो वो उनका वो क्या स्पिन डॉक्टर है, आपका फेवरेट मुशायद हुसैन सैयद, वो एक ही बात किया करता था कि फिक्र ना करें, मैडलिन एल्ब्राइट आने वाली हैं, आते ही मामला ठीक कर दें। हर एक को यही कहते थे।
यानी अपने मुंह से हमें जरूर कहना है कि अल्ब्राइट आएगी और आपके मसाइल हल करेगी। ये था बुनियादी और जौहरी डिफरेंस। पर हमें ये कहा जाता है कि हम इमरान को सपोर्ट करते हैं कि हु इज मैडलिन अल्ब्राइट। पाकिस्तान के मामलात जो हैं ना करो यार, कॉलोनियलिज्म अब खत्म हो चुका है। ठीक है, हमने पैसे देने आपके, कर्जा लिया तो सूद भी तो देते हैं ना। अच्छा जी, अल्ब्राइट की तरफ जाइए। एक अम्बेसडर भी थी ना इस्लामाबाद में जी, लेडी, उसका नाम दो थी। हाँ, एक तो राइस थी मेरा ख्याल है, पावल थी, पावल और लास्ट नेम वाज पावल। ताल्लुक फॉरेन ऑफिस से अगर आप पूछ लेना, फॉरेन ऑफिस से रहा तो इससे अल्ब्राइट भी कवर हो जाएगी और ये आपकी पावल भी कवर हो जाएगी। और एक दूसरी खातून जो राफेल की बीवी थी, राफेल जो फौत हो गया था, मारा गया था बेचारा उस हादसे में, उसकी बीवी भी डिप्लोमेट थी। सही। फरहान साहब, दफ्तर खारजा से या स्टेट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रहा? नहीं। तो रूल इट आउट। रिटायर हुए 20 साल से, 50 साल से ज्यादा, लेकिन 50 साल ज्यादा अगर रिटायर नहीं तो हाउ इज शी अलाइव देन? रिटायर हुए 20 साल से ज्यादा हो चुका है? नो। स्टेट डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं। स्टेट डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं, तो फिर हिलरी भी गई? यस। ठीक हो गया ना, क्योंकि वो तो हेड थी। इज शी अ रिपब्लिकन? नहीं। डेमोक्रेट? डेमोक्रेट। पिछला डेमोक्रेट कौन था? ओबामा? यस। कैन बी मिसेस ओबामा, मिशेल? दैट्स अ गुड हिंट। यस। इज शी एन अफ्रीकन अमेरिकन? यस। ओह यस, यस, आई थिंक वी आर क्लोज। व्हाइट हाउस रही है काफी देर तक, 8-1 साल? जी जनाब। आपने मिशेल ओबामा पूछा भैया? जी। बहुत ओबामा की बीवी की तरफ कैसे ध्यान गया आपका? सर, बब्बू जानना चाहते हैं मिशेल ओबामा के बारे में। मैंने कहीं पढ़ा कि जब रिश्ता गया ओबामा का मिशेल के लिए, तो उसकी तरफ से, फैमिली की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस थी कि लड़का शायद इतना काबिल नहीं है। तो अब देखिए कि ओबामा की वजह से शी बिकेम एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। लड़का काबिल ना होना, आपको बेशुमार वाक्यात मिलेंगे। इवन टेस्ला, फिर ये विंडोज वाले का क्या नाम है यार, बिल गेट्स। बिल गेट्स ग्रेजुएशन कर ही नहीं सका सर। मोस्ट ऑफ द अचीवर्स जो है ना, जी जी जी, वो ड्रॉप आउट्स रहे हैं या फिर उनकी ग्रेजुएशंस कंप्लीट नहीं हुई, स्कूल के ही ड्रॉप आउट्स रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो मैं समझता हूँ बराक ओबामा कैपेबल बहुत था, ही वॉज अ वेरी गुड लॉयर एंड कम्स फ्रॉम शिकागो, बट ही वॉज नॉट वेरी एफ्लुएंट। एक और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ी डिस्टर्ब थी जी, एक मुसलमान इमिग्रेंट फैमिली, उस तरह से जो है। अदरवाइज ही अटेंडेड हार्वर्ड। अब हार्वर्ड अटेंड करना, हार्वर्ड लॉ, यस, मैं हार्वर्ड नहीं, हार्वर्ड लॉ। और वो शायद ज्यादा वजह उनकी वो होगी कि फैमिली बैकग्राउंड जो है, इसका बाप जो था एक पुअर वो था, इमिग्रेंट के तौर पे। लेकिन बहरहाल ही वाज वेरी लकी दैट ही सरवाइव्ड दैट बियॉन्से एपिसोड आल्सो। तो अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी हारून अफजाल। ये मेरे कुलीग है और दोस्त है अजीम सिकंदर। आपका ताल्लुक कहाँ से? जी लाहौर से ही। वेलकम यू टू द शो। जी अजीम साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? जी बिल्कुल। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी साउथ एशिया से सर। तो गोया पाकिस्तान से? पाकिस्तान से भी। अच्छा, पाकिस्तान, ये प्री पार्टीशन की शख्सियत हो सकती हैं। सियासत और हुकूमत वजह शोहरत है? वो भी है सर। वाह। अगर पीरियड पे जाएं तो शायद ज्यादा गाइडेंस। चले जाइए। 100 साल से ज्यादा हो चुका है जी? नहीं सर। 50 साल से ज्यादा? बिल्कुल। तौबे की तरफ आए? नहीं, लेकिन ये तय कर लेना कि ही डाइड इन पाकिस्तान और इंडिया। इनकी वफात इंडिया में हुई? नो सर। ही डाइड एज अ पाकिस्तानी? जी सर। सियासत से कहते हैं था ताल्लुक। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा? जी। 1922 से 72 के दरमियान। सियासत और हुकूमत से भी ताल्लुक। अच्छा, वजह शोहरत ये नहीं थी, ऐसा ही है ना? सर, वजह शोहरत सियासत हुकूमत भी है, लेकिन और भी वजह है। और भी वजूह है? एक डेफिनेटली वजह शोहरत इसके अलावा भी है कोई जी, और वो क्या है
उसको डिटरमिन करके बात आगे बढ़ाई जा सके। मौलाना जफर अली तरह की कोई शख्सियत हो सकती है? मौलाना जफर अली खान died in 1956 जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जफर अली खान एक बहुत तगड़ी शख्सियत। दूसरा ताल्लुक हारून साहब इल्म व फजल से है? जी हाँ सर। सहाफत से ताल्लुक हारून साहब? नहीं सर। स्कॉलर फिर? गुड। हारून साहब कोई मजहबी शख्सियत, मजहबी स्कॉलर? सर मजहबी शख्सियत हैं लेकिन स्कॉलर उनको उस टर्म में जो आजकल स्कॉलर के लिए डेफिनेशन है वो उसमें नहीं वो फॉल करते। यानी वजह शोहरत तो सियासत ही है। मौलवी तमीज़ुद्दीन? स्पीकर। किसी आला उदे पे रहे? ताल्लुक पंजाब से, सिंध से, बंगाल भी हो सकता है। He died as a Pakistani. Yes. तो मौलाना भाषानी भी हो सकते हैं? भाषानी died after 72. तो ताल्लुक पंजाब से पूछा जा सकता है। ताल्लुक पंजाब से है अरुण साहब? नहीं सर। इल्म व फजल भी और सियासत व हुकूमत भी? इल्म व फजल से ताल्लुक अगर है तो फिर कोई अदीब भी तो हो सकते हैं जो सियासत में भी, जो सियासत से भी ताल्लुक रहा। अरुण साहब अदीब हैं कोई? नहीं सर। अंदराज सवाल। सो वी आर इन द डेंजर जोन। यस। बंगाल से ताल्लुक ना हो? हाँ जी बंगाल से अगर ताल्लुक है तो कौन से? मौलवी शेर बंगाल, मौलवी फजलुल हक हो सकते हैं। बहुत सारे ये लोग हैं जो 62-63 में डेथ हुई जिनकी। नवाब सलीमुल्लाह खान? वो तो बहुत, बहुत पहले की है, 1915 की डेथ है उनकी। वो भी थे ना प्राइम मिनिस्टर रहे, गवर्नर जनरल रहे, नाजमुद्दीन, ख्वाजा नाजमुद्दीन। हाँ वो भी थे। ये अब क्वेश्चन है कि किसी आला ओहदे पर रहे, आला हुकूमती ओहदे, सदर, वजीर आजम, जी मिनिस्टर। भैया किसी आला हुकूमती ओहदे पर फायज रहे पाकिस्तान में? नहीं सर। मसला ही हल हो गया, सारे रूल आउट हो गए। हाँ भाई वो हसरत मोहानी? Never came to Pakistan. He died in India. But Hasrat Mohani was born in Punjab. He was from UP. Sir, Rahim Yar Khan se wo kaun the? Ubaidullah Sindhi the wo. Ubaidullah Sindhi was born in Sialkot. Hasrat Mohani never moved to Pakistan. आप चूंकि अथॉरिटी हैं इस पे इसलिए मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन इनमें से एक शख्सियत ताल्लुक सियासत से था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सियासत वजह शोहरत सियासत थी। केपी बलूचिस्तान, एक एक करके सुबह देखे ना पंजाब से निकल ईसा, मतलब ये तो फिर हम पूछ सकते हैं कि मुस्लिम लीग से ताल्लुक था। भैया आप पहले डिटरमिन करें शख्सियत सूबा वाइज। हम पहले चले जाएं सिंध, बलूचिस्तान जाएं तो काजी ईसा के अलावा कोई और नहीं। सिंध में ज़्यादा हो सकती है, सिंध में बहुत हो सकती हैं, सिंध मुस्लिम मदरसा से मुतालिक भी हो सकते हैं। हकीम सईद तो हो चुके हैं पहले। यस। Somebody who died in the 60s, एक सिंधी स्कॉलर थे जी अलाना। जी अलाना थे और अगर मजहब से उनका नहीं उस तरह से कोई ताल्लुक। ये भी मजहबी कह रहे हैं, हो सकता है रूहानी शख्सियत हो कोई, जैसे पीर पगारा। पीर पगारा के वालिद को जो है वो इस पीरियड में आते हैं। आई थिंक ही वाज एक्सिक्यूटेड इन 1944 और समथिंग, 40s में। 40s में। और वो था सूर्या, राजा सूर्या उनके वालिद का नाम था। ये उनका खिताब था, उनका ये नाम नहीं था पीर साहब का। तो सिंध का फिर पूछें, सिंध से ताल्लुक। हारून साहब ताल्लुक सिंध से? हाँ जी। इट कैन बी पीर पगारज फादर, गुरुओं के जो है पेशवा, रूहानी पेशवा, क्योंकि वो किसी आला ओहदे पे भी नहीं रहे। फिर भी हमारे पास तीन सवाल हैं, इन्हें पार्क करें ना, साइड पे करें। यस भैया ये बताइए कि ताल्लुक उनका बुनियादी अंदरून सिंध से है? नहीं सर। ही इज़ फ्रॉम कराची, इज़ नॉट पीर पगारा, वो तो राजस्थान के साथ का जो इलाका है ना ये। अच्छा कोई और वजह शोहरत भी हो सकती है। अब जो कि इंटीरियर से इन्होंने रूल आउट कर दिया, जी एम सैयद इज़ आल्सो आउट। ही इज़ आउट एब्सोल्युटली। ये कोई शख्सियत कराची की, कोई अहम शख्सियत हाँ वो उनके जो पहले मेयर थे, क्या बड़े शानदार आदमी, रहमत क्या थे उनका नाम, जो जमात इस्लामी के थे। नहीं 50 साल तो नहीं उनको हुए डेथ को, उनकी डेथ को 50 साल नहीं हुआ। ये भी ठीक कह रहे हैं आप, मजहबी शख्सियत, कोई जमात, कोई मदरसा, कोई मसलक,
पार्टी, जरूरी तो नहीं कि हर शख्सियत बूझने के लिए हम आए हुए हैं, लेकिन अफसोस ये कि पॉलिटिक्स से ताल्लुक भी और पाकिस्तान है और हम नहीं बूझ पा रहे। अच्छा जी, आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली आए। लियाकत अली खान 51 आउट, ख्वाजा नाजमुद्दीन, मौलवी तमीज़ुद्दीन, गवर्नर जनरल सैक्ड द असम्बली, गुलाम मोहम्मद केस बना, और जस्टिस मुनीर की नज़रिया ज़रूरत के तहत उस पर कायम दायम रहे। उसके बाद जीजी फौत हो गए, आपके सोहरवर्दी साहब और वो जो हैं अयूब खान ने जिनका तख्ता उल्टा था यार, रोज़ खान नून, रोज़ खान नून, सिकंदर मिर्ज़ा, मिर्ज़ा सिकंदर मिर्ज़ा, he was not मजहबी शख्सियत दो, लेकिन क्रोनोलॉजिकली आए और आला अहदे पे रहे। मैं कह रहा हूँ उनके हम देखे ना कि उनके दौर की शख्सियत, उनके दौर में कौन आपके जहन में आता है। एक मोहतरमा फातिमा जना एक्टिव थी पॉलिटिकली, 58 में अयूब खान आ गया, 27 अक्टूबर 1958 फातिमा जना के साथ इलेक्शन, अयूब दौर, दौरे अयूबी की शख्सियत सर, दौरे अयूबी में मस्ट बी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम ना किसी हवाले से डी ट्रैक हुए हैं, हम प्रॉपर ट्रैक पे आए नहीं, जो उनका क्लेम टू फेम है ना बुनियादी, हम उस तरफ गए नहीं। सियासी शख्सियत हाँ जी हैं और मजहबी शख्सियत हाँ जी हैं, वजह शोहरत इन दोनों से हटके होगा, वजह शोहरत को वाक्या हो सकता है, वजह शोहरत किसी से नस्बत हो सकती है। Who comes to your mind? Nobody. So let's submit then gracefully. Or you want to spend these two nickels in your pocket? Yeah, two questions should not be wasted. इसका क्या पॉसिबिलिटी है कि द पर्सन मे बी नॉन मुस्लिम, लेकिन कौन उसमें फिर फिट होगा? कोई पारसी शख्सियत, कोई क्रिश्चियन, कोई बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। इस तरफ हमें सोचना चाहिए था। पन क्या है इसमें? पन इसमें चकावा क्या? There is a googly in it. And we fell victim to the googly part of. So let's exhaust the two questions and then. Jamaat, उधर आइए Muslim League पे आ जी। अच्छा जी, हारून साहब Muslim League ही हैं? जी बिल्कुल। एक अब्दुल मजीद नामी बंदा था जिसने भुट्टो साहब के वालिद को हराया था 30s में। ये खान लियाकत अली खान के साथियों में से हो सकते हैं। गुरमानी, गुरमानी वाज़ अ पंजाबी है ना? Yes. आगा खान, when did आगा खान die? आगा खान died in the 50s. Why not? Why are you not going towards him? A very, very big personality. चिराग तले अंधेरा वाला हिसाब नहीं है? That's right. Let's consume the last question. Yes. Are you sure he died in 50s? Yeah. He was the first president of All India Muslim League. Nawab Salimullah was the first. He wasn't president. अच्छा, उन्होंने convene किया? हाँ, उनके घर पे हुआ इजलास, सब कुछ हुआ, होस्ट था वो, होस्ट थे वो। ये आगा खान, शख्सियत आगा खान की तरफ जाती है। I think he fits the bill. He fits the bill. He is the only one who fits the bill. अच्छा, हारून साहब किसी मशहूर फिरके के रूहानी पेशवा हैं? जी बिल्कुल सर। अरे आपने सर आगा खान पूछे हैं? बिल्कुल सर। He was the first president of. What indeed, indeed, and we are exhausted to death. Yes. Oh. So next personality पे जाने से पहले हमें join किया है एक absentee ने। जी। कहाँ थे आप? नहीं, मैं जरा काम से गया हुआ था सर। जी। आप इजाजत लेकर गए थे और दिलचस्प बात यह है कि पिछली सारी कसौटी ये सुनते रहे बाहर बैठ के ऑडियंस। आगा खान क्या पहुंचे आप ऐसे कमाल? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो खैर बात की बात है। आज आप टोनी मोंटाना बन के जो आए हैं ना सर, इस पे मैं खराज अदा कर चुका हूँ भाईजान। फ्लाई शटल दे इफ्तिताह दे भाई। चैलेंज, नेक्स्ट चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं शिविंदर पुलर। पुलर साहब, आपका ताल्लुक
इंडिया से? मैं आजकल सिडनी ऑस्ट्रेलिया रहना। अच्छा ऑस्ट्रेलिया तो तशरीफ ले आए हो, तो तुहाडे नाल जेडे दोस्त ने ए मकामी ने इत्थों दे या भी तुहाडे नाल ही आए ने? नहीं ये इत्थों दे ने मेरे फ्रेंड, ए इधर बावर जलंधरी बैठा है। अच्छा ए मोहसिन बसरा जी ने। चले जी मोस्ट वेलकम टू द शो पुलर साहब। थैंक यू जी। शख्सियत मर्द जी? जिंदा नहीं। एशियाई कह सकते हैं। इंतकाल का कितना अरसा हुआ? जी ये सलाह पूछना जा रहा है। बात ये है, यस ये है मॉर्बिड क्यूरियोसिटी। अच्छा जी इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट। दैट मींस 1922 के आसपास की, 1923 24 25 26 27 करीब करीब 100 साल के। दूसरा ताल्लुक यूरोप से है? जी। मेनलैंड यूरोप से? जी। ये भी हो सकता है कि ताल्लुक बयाक वक्त एशिया और यूरोप से हो, जैसे टर्की। व्हाई नॉट टर्की, वैसे तो सारा एशिया में है। 4% जो है यूरोप में। 4% तो ऐसी कौन सी शख्सियत है जो ब्रिंक पे बैठी हो एंड नुक्कर पे अक्रॉस द बॉस्फोरस? हाँ जी मुझे पूछें। माल अतातुर्क हो सकता है, लेकिन उनकी डेथ जो है 30s में हुई। जी जी 30s में हुई थी। वैसे तो फिर रशिया इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू, और रशिया का तो बहुत सारा पोर्शन, मॉस्को कैपिटल जो है दैट इज इन यूरोप। यस। ईस्टर्न यूरोप से है? जी। ईस्ट यूरोप का मतलब आप टर्की से फिर शुरू कर दें? कर दें। टर्की है या रशिया है? यस। अच्छा जी ताल्लुक टर्की से है? जी नहीं। दूसरा ताल्लुक रशिया से है? जी हाँ। ये बात तो रशियन तो फिर ऑलमोस्ट 100 इयर्स तो एग्जैक्टली 24 पे लेनिन की डेथ हुई। लेनिन इज 24 और अर्ली 24 मिड नो जनवरी 24 सर। अच्छा जी लेनिन की तरफ के साथ, लेनिन के साथ साथ और आपके जहन में वो जो एक बंदा था वो जो मैजिशियन टाइप था, यूरी गगेरियन? नहीं 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 नहीं, वो जारीना के ऊपर जिसका बहुत इन्फ्लुएंस आ गया था। रास्पुतीन। अच्छा गगेरियन नहीं, वो यूरी गैलर था यार, मैं उसका नाम हमेशा गगेरियन के साथ कंफ्यूज कर देता हूँ। गगेरियन वाज एन एस्ट्रोनॉट, वो यूरी गैलर था एंड ही वाज फ्रॉम नॉट फ्रॉम रशिया, ही वाज फ्रॉम इजराइल। एंड व्हेन डिड द लास्ट ज़ार डाई? 1917 का रेवोल्यूशन हो गया। बोल्शेविक रेवोल्यूशन मार्क्ड हिज The beginning of the revolution marked their end. ज़्यादा अहम शख्सियत इस हवाले से पूछना रास्पुटीन बनता है, लेकिन हम नैरो डाउन करते हैं करीब करीब, क्योंकि बिल्कुल करीब करीब, लेकिन वो देख लीजिए वो उससे पहले का है जो 100 साल से ज़्यादा हो चुका है उसकी डेथ, लेकिन वो 5-7 साल आगे करीब पीछे। करीब नोटोरियस एंड फेमस की बात है। Was he by any chance भुल्लर साहब A notorious character? नहीं। व्लादिमीर सर वो आपका लेनिन है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन से पहला सोवियत सरबराह हुकूमत? यस। ये वो लीडर जिनको स्टालिन ने रिप्लेस किया? जी। ये वो लीडर है जिसकी ट्रेन बड़ी मशहूर थी? जी। अच्छा जनाब आपने लेनिन पूछा? जी। अच्छा जी भुल्लर साहब मेरे लिए एक किताब लेकर आए हैं, पंजाब हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन। ये राजमोहन गांधी की बड़ी मशहूर किताब है एंड इट्स अ वेरी कंसाइज हिस्ट्री। भुल्लर साहब थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, जजाकल्ला। नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन हाउस। आहा अच्छा जी शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? नहीं। ताल्लुक यूरोप से? नो। अमेरिका से? जी। एक अमरीकी मर्द जो जिंदा नहीं है। अब आइए इंतकाल को कितना अरसा हो गया, और इंतकाल को 100 साल से ज्यादा? नहीं। 50 साल से ज्यादा हो चुके? जी। 50 यानी 72 और 22 के बीच दरमियान। जी। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? कह सकते हैं।
कह सकते हैं, यानी मेन वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है, वजह शोहरत यही है। ये सवाल था जी, सवाल आपने क्या था? पहले ताल्लुक पूछा था सियासत और हुकूमत से, दैट वाज कह सकते हैं। हाँ, नहीं तो फिर इस पे सवाल नहीं बनता, फिर मेरा मेरी क्वेरी है ये, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। 50s के मेरा ख्याल एक सेनेटर मकार्थी था, एक बड़ा मशहूर, जिसने विच हंटिंग की थी अगेंस्ट कम्युनिज्म। ओए होए होए जी, गुड, जोसेफ मकार्थी जी जी, कोई सेनेटर थे? नो। टाइम कौन सा है? 1922 से 1972 के दरमियान, 72 तक। प्रेसिडेंट तो मुश्किल है कि पूछें, दैट वुड बी टू ऑब्वियस। पूछ भी सकते हैं। अच्छा जी, प्रेसिडेंट की तरफ ध्यान किसकी तरफ जाता है? इस दौरान प्रेसिडेंट्स बड़े अहम प्रेसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन नैरो डाउन किसी और पे करें, फोकस करें किसी और, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वजह शोहरत तो फिर यही है ना कि सियासत और हुकूमत ही है। ये शख्सियत किसी बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज है। गो अहेड। किसी बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज जी, हुकूमती ओहदा क्या? Who was the president when the Great Depression occurred? Coolidge. Coolidge. और रिकंस्ट्रक्शन फिर आ गई थी, रोजवेल्ट एंड ट्रूमैन। ये शख्सियत रोजवेल्ट ट्रूमैन का दौर है, अगर आप देखें ना, रोजवेल्ट ट्रूमैन। रोजवेल्ट इज द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड फोर टाइम्स। यस, नैरो डाउन करें शकील साहब, बजाय इसके कि हम अपना इल्म झाड़ते रहें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, यानी किसी कैबिनेट लेवल के ओहदे पर रहे? नो। इसका मतलब है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह तो निकल गए, तो फिर तो दो ही बड़े मशहूर मेयर्स हैं जिनमें से एक हम पूछ चुके हैं, लगार्डिया पहले का, पहले का है ना लगार्डिया? आई थिंक सो। रूडी जुलियानी हम पूछ चुके हैं, वो तो खैर अभी इज अलाइव। ये रूल आउट किया जाए कि सदर के ओहदे पर रहे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर फायज रहे? नो। अगर आप उन्होंने यही कह दिया था ना कि कैबिनेट लेवल पे, तो उससे नीचे की ये तो और शख्सियत है कोई, कैबिनेट से थोड़ा सा ऊपर का लेवल है ना ये तो। नहीं, लेकिन फिर भी कैबिनेट का हिस्सा तो प्रेसिडेंट होता है ना, जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, इज हेड ऑफ द कैबिनेट। आइजनहावर हम पूछ चुके हैं, वो बड़ा इवेंटफुल, सदर तो उन्होंने कहा नहीं, सदर नहीं है, तो वो एक इवेंटफुल दौर था। रोजवेल्ट बड़ा इवेंटफुल था, फिर ट्रूमैन ऑफ कोर्स, और इन सब के बाद कैनेडी। CIA की तरफ जाइए, CIA के मैकनामारा। तो CIA का इंटेलिजेंस एजेंसी का क्वेश्चन किया जाए, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक रहा? नो। इंटेलिजेंस भी नहीं है यार कोई। वजह शोहरत सिर्फ सियासत और हुकूमत ही नहीं है, कुछ और भी, मैन ऑफ लेटर्स, ये बात पूछा है हमने कुछ इससे? नो सर। कोई मशहूर ऑथर भी हैं ये? नो। मैंने मशहूर इसलिए कह दिया क्योंकि ऑथर तो हर कोई होता है तकरीबन, बायोग्राफी तो। और मजीद अगर इसको शॉर्ट वो किया जाए, नैरो डाउन, तो 75 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं। जी जी, इधर आइए। डेथ को 75 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं? नो। दैट मीन्स 47 से 72 के दरमियान। अच्छा, जूता पहन के बैठो। पहने हैं, मैं गोडे रखे। नहीं नहीं, स्ट्रैप बाहर है, एडी बाहर निकल रही है। गरीबा दी एडी बाहर ही होती है, धन्यवाद। गर्मी लग रही है। अगर ये बात है तो उसकी क्यों नहीं? उसकी खुली इतनी है कि वो असल में वो सिर्फ गरीब नहीं, वो साथ मस्कीन भी है। रॉबर्ट मैकनामारा टाइप कोई कैरेक्टर, सिविल राइट्स का कोई बंदा, सिविल राइट्स का कोई बंदा हो सकता है बिल्कुल। और एक तो हम पूछ चुके हैं पिछले हफ्ते, जुलियानी। नहीं नहीं, नॉट जुलियानी, दैट वाज मार्टिन लूथर। कोई जज हो सकता है भाई? हेलो। क्यों जी, कोई जज थे? नहीं। कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है? कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट कौन हो सकता है? बराह रास्त सियासत से ताल्लुक नहीं था? नहीं। बराह रास्त सियासत से नहीं, हुकूमत से ताल्लुक, कह सकते हैं। मैं वो उसी कह सकते हैं से हमें ये थोड़ी सी रहनुमाई मिलती है कि वो किसी अहम हुकूमती ओहदे पर फायज है, नॉट नेसेसरीली अ पॉलिटिकल ऑफिस। वो सफीर भी हो सकता है, बहुत बड़ा, जॉर्ज कैनन भाईजान, जॉर्ज एफ कैनन। अब क्वेश्चन मेरे ख्याल में ये पूछना चाहिए कि मिलिट्री से ताल्लुक, मिलिट्री से ताल्लुक जी। ओहो, अरे वाह, वाह रे वाह। फार ईस्ट में अमेरिका
को रिप्रेजेंट करते रहे जी। अरे वो जनरल जिन्होंने कहा था जनरल्स डोंट डाई दे जस्ट फेड अवे, वो जनरल जिसने कहा था, सवाल खत्म हो गया। नहीं मैं तो सवाल नहीं कर, ये भी सवाल नहीं है, उनकी कोटेशंस हैं कि वॉर द मोस्ट मैलिग्नेंट स्कर्ज ऑफ मैनकाइंड, जिन्होंने हीरोहिटो से इक्तदार छीना था फ्रॉम इन जापान, डगलस मैकार्थर। अरे व्यूअर्स ये थी आज के एपिसोड, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।